हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की डेट में गवर्नमेंट जॉब्स हो चाहे प्राइवेट जॉब्स हो, कंप्यूटर का यूज़ काफ़ी बढ़ गया है। उस कंप्यूटर के यूज़ में टाइपिंग का यूज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अगर आप घर बैठे ही 5 दिन में टाइपिंग के एक्सपर्ट्स बनना चाहते हैं कि आपको बहुत अच्छी टाइपिंग आ जाए, तो मेरी इस वीडियो का एंड तक देखिएगा। मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल समझाने वाला हूँ, बेसिक चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी होंगी टाइपिंग सीखते हुए, तो आपके डेफिनेटली आप एक्सपर्ट्स हो जाएंगे जैसे मैं हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को दोस्तों। माइसेल्फ गौरव भारद्वाज एंड आई एम ए लेक्चरर एंड ए टाइपिस्ट आल्सो। गाइज, मैं बहुत समय से देख रहा था कि काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे को जॉब की रिक्वायरमेंट्स बताते हैं कि सर हमें जॉब की नीड है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपके अंदर अगर कोई टैलेंट है तो जॉब आपको एकदम से मिल जाती है। तो क्यों ना आप अपने अंदर एक टाइपिंग का टैलेंट ला सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स में स्टेनो की जॉब या फिर किसी भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की जॉब में आपको टाइपिंग मांगते ही मांगते हैं। तो प्राइवेट जॉब हो वहाँ पर भी आपका टाइपिंग का बहुत सारा काम होता है। तो अगर आप टाइपिंग सीखना चाहते हैं घर बैठे ही, तो कुछ इस तरह के टिप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आप मेरी इस वीडियो का अंत तक देखेंगे तो डेफिनेटली आप 5 दिन के अंदर मुझे खुद कमेंट करोगे कि सर हाँ, आपका जो कहा था आपने वो मैंने करके दिखाया है। देखिए, टाइपिंग जो होती है बेसिकली वो माइंड से होती है। अगर मैं बात करूँ टाइपिंग की, तो टाइपिंग बेसिकली माइंड से होती है। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि आपके सामने एक कंप्यूटर है, लैपटॉप है, और वहाँ पर स्क्रीन पर आप जब टाइप करते हैं तो आपका माइंड टाइप करता है, आप टाइप नहीं करते। जी हाँ दोस्तों, जब आप टाइप करते हैं तो उस हिसाब से मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं कीबोर्ड को। कीबोर्ड की अगर मैं बात करूँ पूरी रो की, तो इसमें सबसे पहले बीच वाली रो जो होती है उसको हम होम रो कहते हैं। इसमें आप देख रहे हैं ए से लेकर एल तक सारे अल्फाबेट। ऊपर कहते हैं टॉप रो, क्यू से लेकर पी तक, और नीचे जेड से लेकर एच तक बॉटम रो। ये 3 प्रकार की रो डिवाइड होती है और यहीं पर ही आपके टाइपिंग एक्सपर्ट्स बनाए जाते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कि आपके कौन कौन से टिप्स हमें ध्यान रखने चाहिए। तो टिप्स नंबर वन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप जब भी टाइपिंग करने के लिए बैठे तो अपनी जो बैक है उसको बिल्कुल सीधा करके बैठे। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, अपनी बैक को बिल्कुल सीधा करके रखें। बिल्कुल भी ये बेंड नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी बेंड होगी तो आपका बर्डन जो हाथ है आपका वो जोर पड़ेगा आपके कीबोर्ड पर और आप नहीं सीख पाओगे। सेकंड नंबर पे बात करते हैं कि जब आप बैठें तो बिल्कुल सीधे होकर बैठें, आगे को झुककर ना बैठें, उससे कि आपका टाइपिंग का सही पोस्चर नहीं बन पाता। इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि जो आपका दूरी है कंप्यूटर से आपकी आइज़ की, तो वो कम से कम 15 इंच या क्या कहते हैं 45 से 70 सेंटीमीटर्स की होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये प्रैक्टिकली प्रूव हो चुका है, और अगर आप इस चीज़ को ध्यान रखते हैं तो आप बहुत जल्दी टाइपिंग सीख जाते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जब हम टाइपिंग पर बैठे तो अपने हाथ को सीधा जहाँ पे आपका माउस होता है वहाँ तक, यानी कि लैपटॉप पे आप देख रहे होंगे, अपने हाथ को आपको हथेली को बिल्कुल स्क्रीन के बोर्ड के एंड तक रखना है, यानी कि आपको मेज वगैरह पर टच नहीं करना है, यानी कि बिल्कुल लाइट वे में आपको यूज़ करना है। अब आप अपनी उंगलियों वगैरह से भी टाइप कर सकते हैं, यानी कि आप नाखून वगैरह का इस्तेमाल ना कीजिए, केवल उंगली के जो मेन पोर्शंस होते हैं आगे की जो निप्स होती है इनको ही दबाएँ, इनसे ही टाइप करें। ये तो देखो छोटी छोटी बातें। अब आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे नेक्स्ट जो मैं बहुत ज़रूरी बात अब बताने वाला हूँ, ये वाले पॉइंट ज़रूर याद रखेंगे। जो नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर बॉटम रो, जो होम रो है, उस होम रो में आपके 4 अल्फ़ाबेट्स इधर हैं और 4 अल्फ़ाबेट्स इधर हैं। ये 4 अल्फ़ाबेट्स और ये 4 अल्फ़ाबेट्स, ये 8 अल्फ़ाबेट्स आपकी होम रो के मेन होते हैं। आपका हाथ हमेशा इन रो पर होना चाहिए। आप ऊपर कुछ भी टाइप करो, आप नीचे कुछ भी टाइप करो, आपको वापसी लौट के वहीं आना है। आप लेफ्ट हैंड की देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड की में आपका ऊपर भी दे रखा है क्यू है, डब्ल्यू है, ई है, आर है, नीचे भी वी है, बी है। तो ये ध्यान रखिए कि जो आपका लेफ्ट हैंड की 4 कीज़ हैं इनसे ही आप ऊपर जाएंगे, इनसे नीचे आएंगे, लेकिन आपको लौट के वापसी ही अपने उस होम रो पर आना है। यानी कि आपको कुल मिलाकर अपनी उंगलियां 8 की 8 उंगलियां इन 8 बटन्स पर रखनी है, इनसे हटाना नहीं है। लेकिन जब आप कुछ और प्रेस करेंगे तो आप वापस जाइए, प्रेस कीजिए, वापसी आकर इस रो पर आइए, ये एक सही तरीका होता है। अब आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर F4J पर कुछ उठा हुआ सा बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये इसलिए होता है कि आपको फील हो सके, क्योंकि जब हम टाइपिंग करते हैं तो हमारा ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर होता है, ना कि टाइपिंग बोर्ड पर, यानी कि कीबोर्ड पर। अगर आप कीबोर्ड को ध्यान से देखते हैं तो आपको टाइपिंग स्पीड आपकी कभी भी नहीं बनेगी। तो शुरुआत से आदत डालें कि आप स्क्रीन पर देखें, कीबोर्ड में मत देखें। कीबोर्ड पर बस आपको फील करना है, और मैंने जो बताया होम रो पर आपको जो 8 अपनी फिंगर्स रखनी है वो सही
जगह पर रखेंगे तो ऊपर और नीचे आप आराम से उसे टाइप कर पाएंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि हर एक उंगली के लिए अलग कलर के बटन्स बने हैं, यानी कि जैसे आप देख सकते हैं सबसे कन्नी उंगली ये रेड कलर का है, तो इसके अंडर में जो रेड वाले बटन्स आते हैं वो सब इसके दायरे में आते हैं, आप इससे ही प्रेस करें उन्हें और वहाँ से आप सीख सकते हैं। ऐसे ही ऑरेंज कलर से आप ऑरेंज वाले बटन यूज़ करेंगे, ग्रीन वाले से ग्रीन और ब्लू वाले से ब्लू। ऐसे ही जो भी बटन जिस कलर के दिए हैं उस उंगली से वो ही बटन प्रेस करें, चाहे तो उसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, आप इस चीज़ को भी ध्यान से देख लें। इसके बाद मैं बताना चाहता हूँ आपको मेन और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अभी जब आप स्टार्टिंग कर रहे हो टाइपिंग सीखने की, तो याद रहे कि ये जो सेंटेंस आप स्क्रीन पर देख रहे हो द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, इसको प्रेस जरूर करें, क्योंकि ये एक ऐसा सेंटेंस है, इसमें ए से लेकर जेड तक 26 अल्फाबेट्स आ जाते हैं, कोई भी अल्फाबेट्स नहीं छूटता, आप देख सकते हैं टाइप करके। इसे अगर आप बार बार टाइप करोगे, मुझे लगता है कि शुरुआत में जब आप टाइप करोगे, तो मैंने भी किया था, मैं बोर हो गया था, लेकिन गाइज आपको बोर नहीं होना है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, चाइना के अंदर जब आपका एक चीज़ में बहुत गहरी बात है कि चाइना में मैंने एक चीज़ देखी है कि जब वहाँ पे शूटिंग सिखाई जाती है, बंदूक की शूटिंग सिखाई जाती है, तो स्टूडेंट्स को 6 महीने के लिए या 1 साल के लिए केवल ईंट लेकर हाथ में ऐसे खड़ा कर देते हैं। उससे क्या होता है कि उसकी जो उसका कॉन्सेंट्रेशन है विद योर वर्क वो बना रहता है, या खाली बंदूक पकड़ा देते हैं 6 महीने 1 साल के बाद, उसमें बंदूक की गोली डालकर उसे फायरिंग सिखाते हैं। तो ये एक आपको एक अभ्यास बनाना बहुत ज़रूरी है। स्टार्टिंग में आप इस सेंटेंस को बार बार टाइप करेंगे, तो बार बार टाइप करने से आपको एक तो सारे अल्फाबेट्स का हाथ सेट हो जाएगा, और क्विक आप जल्दी से जल्दी सीख पाओगे, जैसे कि मैंने 5 डेज में सीखा था, आप भी सीख सकते हो। तो अब एक सेंटेंस जो मैक्लोम गार्डवेल ने कहा था, उन्होंने कहा था कि किसी भी काम को करने के लिए कम से कम 10,000 घंटे उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए आप प्लीज़ प्रैक्टिस करें, और मेरे इन टिप्स को सबको ध्यान रखें, चाहे तो नोट कर लें, और आज से ही अपनी टाइपिंग शुरू कर दीजिए। आप लैपटॉप पर टाइप करें, आप कीबोर्ड पर टाइप करें, या टाइप राइटर पर टाइप करें, कैसे भी आप टाइप कर सकते हैं, डेफिनेटली मेरे इन टिप्स को फॉलो करके 5 दिन के अंदर आप बहुत जल्दी से टाइपिंग सीख पाओगे। एक हिंदी में कहावत है कि करत करत अभ्यास जड़मति होत सुझान, इसका मतलब है आपको बार बार अभ्यास करना चाहिए, जिससे कि आप कभी भी हारोगे नहीं, बहुत जल्दी जीत जाओगे। जी हाँ दोस्तों, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, और प्रैक्टिस करने वालों की कभी हार नहीं होती, क्योंकि कोई भी कोशिश बेकार नहीं होती। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपके स्टूडेंट्स के लिए मैं हमेशा इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आपने बेल आइकॉन प्रेस नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, दे आर इंटरेस्टेड टू लर्न टाइपिंग ऑन द स्क्रीन बोर्ड।